हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चर ऑफ मेटलर्जिकल कोक की, कोल से कोक बनाने के मेथड पे, और उसमें भी हम मेनली मेथड पढ़ने वाले हैं ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड। जिसकी बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पांच चीजें इसमें इंपॉर्टेंट लिखनी है। पहला इसका यूज, सेकेंड इसका प्रिंसिपल, थर्ड इसकी कंस्ट्रक्शन, फोर्थ डायग्राम एंड फिफ्थ इसकी वर्किंग। तो चलिए बात करते हैं। तो इसके यूज की बात करें तो ये मेटलर्जिकल कोक बनाने के काम आता है, कोल से मेटलर्जिकल कोक बनाने का काम आता है, हार्ड कोक बनाने के काम आता है, जो कि फर्दर हम फर्नेसेस में यूज कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी पे बेस्ड होता है। इसका मतलब हम जो भी हीट इस ओवन में देंगे वो हीट हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। थर्ड बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। इसके डायमेंशंस अराउंड 12-14 मीटर ही लेंथ में होता है। इसका मतलब हो गया कि 4-5 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर हो सकता है ये पूरा पूरा ओवन। जो कोल होता है वो पहले कोल बंकर्स के थ्रू हमारे कोल चैम्बर में डाला जाता है। अब वो कोल चैम्बर में डाल दिया जाता है, जो कोल चैम्बर स्टोर करता है कोल्स को जस्ट। फिर कोल चार्जिंग कार्स से उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे कोल चैम्बर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे कोक ओवन के अंदर उसे रख दिया जाता है। अब ये जो रीजेंड्रा क्या होता है, पहले ये बात करते हैं हम, रीजेंड्रा क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स रखी होती हैं, चेकर ब्रिक वर्क बोलते हैं इसे। इसका वो आप नाम लिख लीजिएगा, चेकर ब्रिक वर्क कहते हैं इसे। इसे हम और क्या, इसे रीजनरेटर्स भी कह सकते हैं। इसके थ्रू हम हीट प्रोवाइड करते हैं उन्हें, और ये ब्रिक्स होती हैं तो ये काफी टाइम तक गर्म रह सकती हैं। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हीट का फ्लो अच्छा करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और बहुत सारे रीजनरेटर्स एक साथ रखे होते हैं इसलिए उन्हें बोल देते हैं हम रीजेनेरा, ठीक है। बाकी आपको इसमें एक और चीज दिख रही है, इन्हें हटा दूं पहले मैं। ये जो रैम, ये जो कोक पुशर होता है, इसका क्या काम होता है कि जो भी साइड में वॉल्स पे कोक लगा रह गया है वो तो बर्न हुआ नहीं, तो वो साइड से ये ऐसे दोनों तरफ से आके पुश करते हैं ताकि जो वॉल्स पे कोक लगा रह गया है वो वापस वो सेंटर में आ जाए और बर्न हो जाए और एफिशिएंट बर्निंग हो जाए कोल की एक्चुअली, कोक नहीं कोल। और फिर ये स्टोर हो जाता है एज कोक ओवन गैस और कोल गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो इतनी हमने बात करी इसकी कंस्ट्रक्शन की, अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोल बंकर्स में हम कोल को स्टोर करके रखते हैं, ऐसे कोल को स्टोर करके रखते हैं। अब जो कोल है उसे ना कोल ओवन तक पहुंचाना है हमें, कोक चैम्बर तक पहुंचाना है हमें, कोक ओवन तक पहुंचाना है उसे। तो वो कैसे पहुंचाते हैं हम उसे, कोल चार्जिंग कार्स, जैसे ऐसे टाइप की कार्स होती हैं उसमें हम इन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं चैम्बर्स के अंदर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सिर्फ एक सिंगल चैम्बर था ऑटो हॉफमैन ओवन का, सिंगल चैम्बर था। ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं ओवन के अंदर, कम से कम 10-100 चैम्बर्स हो सकते हैं ओवन के अंदर। और एक ओवन चैम्बर 16-24 टन्स ऑफ कोल को बर्न कर सकता है एक साथ, उसे स्टोर कर सकता है एक साथ, ओके। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग की इसकी। तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है एक ओवन का, एक कोल ओवन का, कोक ओवन का। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स लोडेड विद कोल। यहाँ पे हमारा कोल, यहाँ पे हमारे कोल रखे हुए हैं सारी सारे अलग अलग, उसमें मैं जरा ये मिटा दूं। अब क्या होता है, यहाँ से हम प्रोड्यूसर गैस का इनपुट देते हैं। इसका टेम्परेचर रखा जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस तक, इसका हम इनपुट देते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया रीजनरेटर्स हैं, चेकर ब्रिक वर्क है, ये सारे ब्रिक्स हैं हमारी, इस ये हीट अप होती हैं
ये हीटअप होती हैं, फिर ये जब हीटअप हो जाती हैं तो यहाँ पे जो कोल है वो बर्न करना शुरू कर देता है। जब कोल में कंबशन होता है तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती है ना, वो इस चैम्बर से निकलकर ऐसा उनका डायरेक्शन हम रखते हैं कि वो चैम्बर से निकल के वापस से चेकर ब्रिक वर्क की तरफ आए। तो अब वो गैसेस बहुत गर्म गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उनका आउटलेट हम ये जो उनका आउटलेट चिमनी होती है वो हम यहाँ पे रखते हैं रीजनरेटर से चेकर ब्रिक वर्क के बिल्कुल नीचे रखते हैं, ताकि जो वो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो वापस वहीं पे आए जहाँ पे चेकर ब्रिक वर्क है, उसे वापस से गर्म कर दें और बाहर निकल जाए, ताकि हमें ज्यादा प्रोड्यूसर गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे गर्म करने के लिए बार बार, और हमारी वो जो हीट है वो वापस रीयूज होती रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि सारी गैसेस वापस बाहर निकल निकल के आ रही हैं, गैस बर्न्ड हेयर, और यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर गैस का इनपुट दिया है, यहाँ पे चेकर ब्रिक वर्क है और ये सारी गैसेस बाहर वेस्ट गैस आउटलेट से निकल जाती हैं बाहर। ओके डन, ऐसा ये हमारा हो गया, इसकी इसकी वर्किंग हो गई। अब जो गैसेस यहाँ से बाहर वापस बाहर निकल गई और जो अंदर कोल बच गया, जो कि अब कोक बन चुका है, जो कि बहुत हार्ड पोरस एक सब्सटेंस बन चुका है जिसे कि हम कोक कहते हैं, फिर उसकी फर्दर क्वेंचिंग कर दी जाती है। क्वेंचिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर से एकदम से बहुत लो टेम्परेचर पे लाना, उसे एकदम से ठंडा कर देने को बोलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है वेट क्वेंचिंग और एक होती है हमारी ड्राई क्वेंचिंग। वेट क्वेंचिंग में हम वाटर स्प्रिंकल करके कोक को ठंडा करते हैं और ड्राई क्वेंचिंग में हम इनर्ट गैस के प्रेजेंस पे कोक को ठंडा करते हैं। वेट क्वेंचिंग में जो कोक हमें मिलता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है एज कम्पेयर टू ड्राई क्वेंचिंग में, जैसा हमें कोक मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स की। जो गैस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोल गैस प्रोड्यूस हुई है जो कि कोक को बर्न करने पे जो वेस्ट गैसेस हैं वो तो यहाँ पे वेस्ट गैसेस तो चिमनी से निकल गई, आउट वो निकल गई हैं, बट जो कोल गैस प्रोड्यूस हुई है उसको हम रिकवर उसके बाय प्रोडक्ट्स हम रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स निकलते उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हें हम वापस रिकवर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो कोक गैस निकली है उसे हाँ उसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम बाकी और चीजें बना सकते हैं वो हम रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोक गैस का इनपुट देते हैं, कोक गैस जो वहां पे निकली है उसे हम स्टोर करके रखते हैं और उन्हें 5 टावर से पास किया जाता है। पहले टावर में लीक्वर अमोनिया उस पर स्प्रे किया जाता है और टार निकाल लिया जाता है। टार क्यों निकालते हैं? टार इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो फिर फर्दर हम काफी चीजों में यूज कर सकते हैं टार को, लाइक क्रूड बेंजोल, फिनोलिक कंपाउंड्स, पाइरिडिन बेसिस, हैवी नेफ्थलीन, ऐसे काफी चीजों में हम उसे उस चीजें प्रोड्यूस करने में उसे यूज कर सकते हैं। फिर फर्दर उसे पास किया जाता है सेकेंड टावर से, जिसमें हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं। वाटर स्प्रिंकल करके अमोनिया निकाल ली जाती है उस गैस में से। अमोनिया क्यों निकालते हैं? अगर अमोनिया नहीं निकालेंगे तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3 में, जो ये है ना ये आगे जाके ना पाइप्स को ब्लॉक कर देगा जहां से भी हम इसे ले जाना चाहेंगे, तो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए हम अमोनिया निकाल लेते हैं। आगे हम इसे पास करते हैं कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से पास करके हम नेफ्थलीन एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। नेफ्थलीन क्यों एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है? ताकि आगे जाके उसके जो फ्यूम्स है नेफ्थलीन के वो पाइप को ब्लॉक ना कर दें। फिर आगे जाके हम वॉश ऑयल यानी कि पेट्रोलियम स्प्रिंकल करते हैं। इसका क्या मतलब है? पेट्रोलियम स्प्रिंकल किया जाता है और लाइट ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। लाइट ऑयल का क्या मतलब है? बेंजोल। और बेंजोल का क्या मतलब होता है? बेंजीन। बेंजीन होमोलॉग्स, मतलब बेंजीन के साथ मिले हुए कुछ हाइड्रोकार्बन्स को हम बेंजोल कहते हैं। आप सबको पता है बेंजोल क्या होता है। ओके,
अब फर्दर हम इसे पास करते हैं फेरिक ऑक्साइड से, और फिर H2S और और सल्फर के सारे कंपाउंड्स इससे निकाल लिए जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर के सारी चीजें निकाल ली जाती हैं। अब इसे क्यों निकालते हैं? इसे इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो सल्फर है ना, क्योंकि जो सल्फर होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके SO2 और SO3 गैसेस देता है हमें, जो कि हमारा एसिडिक कोरोजन करता है। और H2S गैस भी H2SO4 बना देती है, जो कि हमें हमारे जो पाइप्स हैं, आगे पाइप्स हैं, उन्हें करोड़ कर देते हैं। इसलिए सल्फर और H2S निकाल ली जाती है फेरिक ऑक्साइड के थ्रू। तो ऐसे हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और जो हमारी प्योर कोक गैस है वो फिर प्योरिफाइड जो गैस है वो फिर आगे होम्स में यूज करी जाती है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। सो इस प्रेजेंटेशन में हमने बात करी ऑटो हॉफमैन ओवन और उसके बाय प्रोडक्ट्स की रिकवरी की। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं लिक्विड फ्यूल्स में, पेट्रोलियम की। तो होप सो आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।